बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। आपको चैनल में एक दफ़ा फिर से खुश आमदीद कहते हैं। आज की वीडियो के अंदर हम अपनी एक्सरसाइज जो है 2.2 से स्टार्ट करेंगे। हम जो मैथ का पोर्शन कर रहे हैं वो है लीनियर क्वाड्रेटिक एंड सिमिलरिनियस इक्वेशंस। इक्वेशन वाला चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। एक्सरसाइज हमारी यहाँ पर आ रही है 2.2। यहाँ पे हमने वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है जी, सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। अगर आप देखें सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई, तो मैं इसके एक दो क्वेश्चंस करवाता हूँ, बाकी आपने स्टूडेंट सॉल्व करने हैं। क्वेश्चंस बहुत आसान है जी। यहाँ पे सबसे पहला जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका पार्ट फर्स्ट जिसमें लिखा हुआ है एक्स प्लस वाई इज़ इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 1। हमारे लिए ये इक्वेशन 1 है और ये वाली इक्वेशन 2 है। हम क्या करेंगे, हल करने के लिए हम इसको सॉल्व करते हैं। ये प्लस का वाई, ये माइनस का वाई, ये कट गए, तो अब हमारे पास आंसर क्या आएगा इसको सॉल्व करने के बाद। और इसको सॉल्व करने के बाद आंसर हमारा आएगा 3x इज इक्वल टू 6। डिवाइड करेंगे इसको 3 को दोनों के साथ, तो x का आंसर हमारे पास आता है यहाँ पे 2। अब हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर हमने क्या करना है जी, x की वैल्यू पुट कर देनी है। तो इक्वेशन 1 है हमारी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। x की वैल्यू आई थी हमारे पास यहाँ पे कितनी, 2। 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 5। 2 को उठा के इधर ले जाएं, सो y इज इक्वल टू 5 माइनस 2। सो y का आंसर आता है हमारे पास यहाँ पे 3। सो आंसर इज x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। सो ये हमारे पास x एंड y का आंसर आ गया। इसी तरह एक क्वेश्चन अगला है जी, मैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे करूँगा, क्वेश्चन नंबर मैं करता हूँ 5। फर्स्ट मैंने किया और क्वेश्चन नंबर जो है वो 5 में करता हूँ। यहाँ पे उसकी इक्वेशन लिखता हूँ मैं यहाँ पे, 2x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 7। फिर उसके बाद 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। अब हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है जी। इसको पहले देखेंगे कि कोई इसमें से मिलता जुलता है हमारे पास या नहीं। अगर मिलता है तो उसको लेकिन कुछ भी मिलता जुलता नहीं है, तो हमने सबसे पहले अज्यूम करना है दिस इज़ अवर इक्वेशन 1 एंड दिस इज़ अवर इक्वेशन 2। अब आगे थोड़ा सा मजीद चलते हैं, हम क्या करेंगे कि कोशिश करते हैं कि किसी एक फिगर, किसी एक नंबर के साथ हम किसी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने के बाद हम इक्वेशन को इक्वल कर लें। लेट्स अज्यूम हम क्या करते हैं कि जो ऊपर वाली इक्वेशन है इसको 3 के साथ ज़रब दे देंगे और नीचे वाली इक्वेशन को 2 के साथ ज़रब दे देंगे, तो हमारी जो इक्वेशंस हैं वो इक्वल हो जाएंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विद 3 एंड इक्वेशन 2 विथ 2। इक्वेशन 1 को 3 से ज़रब देना और 2 को 2 से ज़रब देना है। तो हमारे पास इक्वेशन है जी 1, इसको हम 3 से ज़रब देंगे, 3 इन 2 2x प्लस, इसको भी 3 को y से भी आपने ज़रब देना है और 7 को आपने ज़रब 3 से देना है। इसी तरह नीचे वाली जो ये इक्वेशन बनेगी फिर आपकी 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 21। ये इक्वेशन अब आपकी बन गई है 3, ठीक है। इसी तरह आप इक्वेशन 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आप इसको 2 के साथ, तो यहाँ पे आप लिख लें 2 इन टू 3x प्लस 2 इन टू 2y इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। तो यार इसको ये इक्वेशन आपकी बनेगी यहाँ पे 6x प्लस 4y इज इक्वल टू 24। ये इक्वेशन आपकी बनती है कितनी, 4 हो गया। अब आपने क्या करना है, इनको सॉल्व करना है।
अब आप क्या करें कि इक्वेशन फोर में से इक्वेशन थ्री को लेस कर दें। वो कहते हैं सब्सट्रैक्ट इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फोर, ठीक है। तो इक्वेशन फोर में से आपने इक्वेशन थ्री को क्या करना है, लेस करना है। मैं ये आगे करके लिख लेता हूँ इसको। इक्वेशन फोर क्या थी हमारी, सिक्स एक्स प्लस फोर वाई, सिक्स एक्स प्लस फोर वाई, सिक्स एक्स प्लस फोर वाई इज इक्वल टू 24। आगे आ जाएं अब यहाँ पे, सिक्स एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू 21, सिक्स एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू 21। ये मैंने इक्वेशन यहाँ पे लिख ली है पीछे से देखे। अब मैं क्या करूँगा, माइनस करना है ना, सब्सट्रैक्ट करना है। तो याद रखिएगा कि जब भी एक इक्वेशन को दूसरी से माइनस करते हैं ना, तो उसके बाद अलामतें चेंज हो जाती हैं। जैसे इसके साथ प्लस किए तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, ये भी प्लस का तो ये भी माइनस हो जाएगा। आप इक्वल करें तो ये यहाँ से कट गया, चार में से तीन को माइनस करें तो एक आ जाता है, इज इक्वल टू 24 में से 21 को माइनस करें तो यहाँ पे कितना रह जाता है, तीन। तो y की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है, थ्री। अब इस y की वैल्यू को आपने क्या करना है, यहाँ पे जो भी आसान इक्वेशन है उसमें पुट कर दें। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन वन, लिख लेते हैं यहाँ पे, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन वन। अब इक्वेशन वन आपकी क्या थी, यहाँ पे इक्वेशन वन थी आपकी 2x plus y is equal to 7, 2x plus y कितना है जी, 3 है, इज इक्वल टू 7। यहाँ पे 7 लिख देते हैं। अब सॉल्व करते हैं जी इसको हम, 2x ऐसे ही है, इज इक्वल टू 7 में से 3 माइनस कर दें तो ये कितना रह जाएगा, 4। सो 2x ओवर 2 ओवर 2, तो x की वैल्यू आपके पास आ गई है कितनी, 2, और y की वैल्यू कितनी निकली थी आपकी, इज इक्वल टू 3। सो दीज आर योर आंसर्स, ठीक है। दो चीज़ें हमने सीखी, एक तो चीज़ ये कि अगर क्वेश्चन के स्टार्ट में इक्वेशन मतलब माइनस हो सकती है इजीली, तो हम माइनस कर लेंगे डायरेक्टली जैसे इस क्वेश्चन के अंदर हमने किया। दूसरा, अगर इक्वेशंस में से कुछ भी सिमिलर नहीं या माइनस नहीं हो पा रही, तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं कुछ नंबर्स के साथ। जैसे ऊपर वाली इक्वेशन को मैंने 3 से ज़रब दे दिया था, नीचे वाली इक्वेशन को 2 से ज़रब दी है इस प्रोसेस के अंदर, और इक्वेशंस को इक्वल करने के बाद मैंने उनको फिर इकट्ठा करके यहाँ पे माइनस किया, और मेरे पास यहाँ पे वाई की वैल्यू निकली। देन इस वाई की वैल्यू को इक्वेशन वन के अंदर मैंने पुट किया, तो मेरे पास एक्स की वैल्यू आ गई है। आप इस वाई की वैल्यू को ना किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट कर सकते हैं, लाजमी नहीं कि इक्वेशन वन में ही करना, जो भी इक्वेशन आपको ईजी लगती है आप उसमें पुट कर सकते हैं, और आपका आंसर जो है वो ईजिली क्या हो जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा। नहीं जी फ्रेंड, ये थी वीडियो हमारी, हमारे पास एक्सरसाइज 2.2 की, जिसमें हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं और हमने यहाँ पे एक्स एंड वाई की वैल्यू कैलकुलेट की है। नेक्स्ट मैं क्वेश्चन करूँगा जिसमें हम 3 इक्वेशंस के अकॉर्डिंग एक्स वाई जी की जो वैल्यू है वो कैलकुलेट करेंगे अपनी अगली वीडियो में। सो स्टे ट्यून विद अस, इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।